नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है चाइना से। आपको बता दूं कि चीन में जो उइगर मुसलमान थे उनके खिलाफ एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है चीन की सरकार द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है, जो भारतीय मुसलमान यहां पर कहते हैं कि हमें यहां पर असहिष्णुता का माहौल लगता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनसे मेरा सीधा सवाल है कि आप, और उनसे आप भी यह सवाल पूछिए कि आप चाइना के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल पाते। वो चाइना ने क्या फैसला लिया है उइगर मुसलमानों के खिलाफ, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही चाइना ऐसा क्यों कर रहा है वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज्यादा से ज्यादा ये बताएं कि भारतीय मुसलमान जो यहां पर चुप हैं इस वजह से कि चाइना में मुसलमानों के साथ जो है वो बदसलूकी की जा रही है, तो इस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है। अपना जवाब और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको बताता हूं कि दरअसल चाइना ने फैसला क्या लिया है। अभी अभी हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पहली खबर यह है कि चाइना में 5 लाख मुस्लिम बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। इस वक्त डिटेंशन सेंटर में भारत में भी बहुत चर्चा चल रही है कि डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं मोदी सरकार ने और मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, ऐसी कुछ अफवाहें भी फैली हुई हैं। लेकिन पहली चीज मैं अफवाहों के लिए ये क्लियर कर दूं कि डिटेंशन सेंटर मोदी सरकार ने नहीं बनाई, डिटेंशन सेंटर जो बने थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान बने थे। असम अकॉर्ड के मुताबिक कांग्रेस गवर्नमेंट सबसे पहले एनआरसी लेकर आई थी, राजीव गांधी की उस वक्त सरकार थी, 1978 का वो वक्त था। एनआरसी अगर इस देश में कोई पहले लेकर आया, अगर इस देश से मुस्लिमों को भगाने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। 1978 असम जो रिकॉर्ड था, एनआरसी सबसे पहले वो सरकार लेकर आई। अब झूठ ये फैलाया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसमें भारतीय मुसलमानों को रखा जाएगा। दूसरी चीज, भारतीय मुसलमानों को वहां रखा ही नहीं जाएगा। जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, या फिर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भारत में आकर बस गए जबरदस्ती, या तो उनको बसाया गया वोट बैंक बनाने के लिए या फिर वो आकर बस गए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो ये दो चीजें क्लियर कर ले पहले, जो यहां पर जो सीएए के खिलाफ जो भड़क रहे हैं, या जो एनआरसी के खिलाफ भड़क रहे हैं, या जो एनपीआर के खिलाफ भड़क रहे हैं, पहले ये दो चीजें क्लियर कर लें। भारतीय मुसलमानों को सीएए से ना कोई खतरा है, ना एनपीआर से कोई खतरा है, और ना ही एनआरपी से कोई खतरा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं चाइना पर आता हूं। आपको बता दूं कि चाइना में इस वक्त जो खबर आ रही है हमारे मुताबिक हमारे पास, उसके मुताबिक आपको बताता हूं कि दरअसल 5 लाख बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाएगा, मुस्लिम बच्चों को, और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको डिटेंशन कैंपों में शिफ्ट किया जाएगा। उइगर और कजाक मुस्लिमों को डिटेंशन कैंपों में रखा गया है और फिर उन्हें जो 5 लाख हैं उनको भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि शिनजियांग प्रांत में ऐसे सैकड़ों बोर्डिंग स्कूल खुल चुके हैं और जिनमें मुस्लिम बच्चों को रखा जा रहा है। इस मामले में एक उदाहरण दिया गया चीन द्वारा। चीन ने यह कहा कि बच्ची के एक पिता का देहांत हो चुका है और उसकी माता को डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। हालांकि चीन इस बात का खंडन करता रहा है कि शिनजियांग प्रांत में हम मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह पूरी दुनिया को पता है कि मुस्लिमों के साथ वहां भेदभाव किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का यह कहना है, जो कि चीन में जो है सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका यह कहना है कि ऐसे स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है जिनके परिजन सुदूर इलाकों में काम करते हैं, यानी दूर कहीं काम करते हैं, और ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा दीक्षा चाहिए तो उनके लिए ये स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि खबरें ये आ रही हैं कि इन बच्चों में, इन स्कूलों में सिर्फ मुस्लिमों को डाला जा रहा है, मुस्लिम बच्चों को डाला जा रहा है, इसके साथ ही उनके जो माता पिता हैं उनको डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है। 800 से ज्यादा इलाके में एक या दो ऐसे स्कूल खुल चुके हैं, यह खबर हमारे पास आई है।
इसके साथ ही एक और खबर मैं आपको बताता हूं, एक और खबर आज ट्रेंड पर थी, वो खबर ये है कि चीन ने कुरान को नए तरीके से लिखने का काम शुरू कर दिया है। जो एक पवित्र धर्म ग्रंथ है कुरान, उसको नए तरीके से लिखने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि जब चीन से इस बारे में बात की गई कि आप इसको क्यों नए तरीके से लिखे गए हैं लिख रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि हम हर धार्मिक ग्रंथ को उस हिसाब से लिख रहे हैं जिस हिसाब से सरकार चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर सरकार है, सी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति हैं, सर्वे सर्वा हैं। तो चीन उस हिसाब से उइगर मुस्लिमों के साथ, और ऐसा पहली दफा नहीं है दोस्तों, चीन से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि उइगर मुसलमानों के साथ हमेशा ज्यादती होती रहती है वहां पर। लेकिन सवाल अब यहां पर एक उठता है, इस ज्यादती के खिलाफ मैं भी खिलाफ हूं, हॉकफीड न्यूज भी खिलाफ है, आप भी खिलाफ होंगे कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो लोग जो भारत में रहकर यह कहते हैं कि भारत में असहिष्णुता का माहौल है, भारत में रहकर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो इमरान खान को अपना अब्बा मानते हैं, वो ऐसे लोग, ऐसे मौलवी या मुल्ले या कठमुल्ले क्यों चीन के खिलाफ नहीं बोल पाते? क्यों आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं? क्यों आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि पाकिस्तान चीन का सगा संबंधी है, आपका अब्बा जो है वो चीन का सगा संबंधी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आप भारत में एक अखलाक मर जाता है, भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है एक अखलाक को, तो आप कहते हैं कि भारत में असहिष्णुता का माहौल हो गया। लेकिन अलीगढ़ में गौरव मार दिया जाता है, दिल्ली में कई ऐसे लड़के मार दिए जाते हैं, उन पर आप कुछ नहीं बोलते, उन पर आपकी चुप्पी साध ली जाती है। जम्मू का कठुआ में एक मासूम बच्ची का बलात्कार हो जाता है तो उस पर पूरा एक गैंग खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि हिंदुओं की गलती थी। लेकिन अलीगढ़ में मासूम गुड़िया के साथ रेप हो जाता है तो कोई नहीं बोलने वाला होता। क्यों ऐसा? आखिर ऐसा है क्यों? कठुआ के रेप की तुलना अगर आप गुड़िया के रेप से भी करो, दोनों ही मासूम बच्चियां थी। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह समाज में होना ही नहीं चाहिए, मासूम बच्ची चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमें मानवता सिखाती है, यह हमारा सनातन हमें सिखाता है, हम सहिष्णु रहे। और सहिष्णुता की वजह यही है कि आज 70 सालों में हमने कई चीजें झेली, चाहे फिर वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे फिर वो दिल्ली में सिखों का नरसंहार हो, झेली। लेकिन आज तक हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज जब एक भीड़ अखलाक का मर्डर कर देती है तो उस भीड़ को एक गैंग बता दिया जाता है। अरे भीड़ तो दोस्तों सालों से यहां पर होती आई है, इस भीड़ ने तो ना जाने कितने कत्ल किए हैं, चाहे फिर वो गोधरा हो, चाहे फिर वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो, ऐसा हमेशा होता आया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये जो एक तबका है ये इकट्ठा हो जाता है, कौआ पुकार, रहमान चचा अगर अहमद जान को आवाज दे दें, अहमद चचा को आवाज दे दें, तो पूरा कुनवा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हम और आप लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाते। हमारे यहां तू क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, तू वैश्य, मैं दलित, मैं शूद्र, ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि चाइना में, चाइना जिस तरीके से अपनी सरकार चला रही है, चाइना गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया है कि अगर चलना होगा तो हमारे हिसाब से चलना होगा। आपको बता दूं कि चाइना में मुसलमानों को रोजा रखने की इजाजत नहीं है, नाम के आगे मोहम्मद लगाने की इजाजत नहीं है, मुस्लिम नाम रखने की इजाजत नहीं है, और तो और जो मुस्लिमों के त्योहार होते हैं वो मनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को
इससे इतर भारत में आकर असहिष्णुता लगती है कि भारत में असहिष्णुता का माहौल है, आमिर खान साहब भी कहते हैं। अरे जनाब, अगर इतनी असहिष्णुता है तो आप दुनिया के किसी देश में ऐसा बताइए मुझे जहां इस तरीके से हो रहा हो। आज चाइना जिस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है उसके हम भी खिलाफ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग भारत को पसंद नहीं करते हैं, हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान। मेरठ में ये नारे लगे, कानपुर में ये नारे लगे, लखनऊ में ये नारे लगे, और फिर जब मेरठ के एसपी सिटी ये कह देते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, तो इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल का जवाब और मनचाही यात्रा आपको बता दूं कि इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया था कि जिसको जाना है ना मनचाही यात्रा पर जाओ। यह सबसे बड़ा सवाल है। आज चाइना जिस तरीके से कर रहा है, क्या इन लोगों के साथ जो यहां पर रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत का सपोर्ट करते हैं, जो खाते यहां की हैं गाते पाकिस्तान की हैं, क्या उनके साथ भी चाइना जैसा व्यवहार करना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना उइगर मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहा है, और जो देश के जो तमाम जो मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, जो खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताती है, चाहे फिर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्यों ना हो, और यहां पर भी हैं मुस्लिमों के ठेकेदार बैठे भी हैं फतवे जारी करने वाले, तो अब उनको भी चाइना के खिलाफ बोलना चाहिए। हमने तो आप तक ये खबर पहुंचा दी। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं, और उनसे सवाल जरूर करें जो मुस्लिमों के खुद को ठेकेदार बताते हैं। कांग्रेस इस बारे में क्यों नहीं बोल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं। अगली खबर आप तक तो जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन जाने से पहले दोस्तों, देश हित चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें, जिससे आपको हर खबर वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।